हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीएड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का जो है हमारा सब्जेक्ट यूनिट नंबर सेकंड जो चल रहा है उसका हम टॉपिक करने जा रहे हैं व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है, इससे हम क्या समझते हैं और शिक्षा के साथ जो है वो समाज शास्त्र जिसको हम कहते हैं इसका क्या संबंध है। अगर हिंदी में हम इसको करें तो हम इसको क्या कहेंगे, शैक्षिक समाज शास्त्र किसे कहते हैं, शैक्षिक समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं, समाज शास्त्र से एजुकेशनल सोशियोलॉजी मीन्स एजुकेशनल सोशियोलॉजी मीन्स शैक्षिक समाज शास्त्र से हम क्या समझते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है, क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो बातें हैं इसके अंदर, एक है हमारा एजुकेशनल और दूसरा हमारा क्या बनता है, समाज शास्त्र। ठीक है, तो जो समाज जिस चीज से जुड़ा हुआ है, जो शास्त्र समाज पर आधारित है, ठीक है, और जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शैक्षिक समाज शास्त्र, यानी कि ये शिक्षा और ये समाज शास्त्र दोनों चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई है ना। तो क्या है शैक्षिक समाज शास्त्र क्या है, और इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, आगे भी इसमें बन सकता है कि शिक्षा का समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है। ठीक है, व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद सोशियोलॉजी। ठीक है, और क्वेश्चन एक और भी इसमें बनता है कि व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड देन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जो शैक्षिक समाज शास्त्र है वो क्या है, शिक्षा और समाज के बीच में एक माध्यम है। क्या है शिक्षा, जो शैक्षिक समाज शास्त्र है वो क्या है, जो हमारी शिक्षा है और जो हमारा समाज है, दोनों के बीच में जब एक मीडियम का काम करती है तो वो चीज हमारी क्या है, वो है हमारी शैक्षिक समाज शास्त्र। ठीक है, तो आगे हम इसमें बात करें कि यह इनके पारस्परिक संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज की शिक्षा संबंधी आवश्यकता का जो है वो रूप निर्धारित करता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब शिक्षा का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है या हमारी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है, समाज के अंदर जो हमारी शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, जब इस प्रकार के विषय में हम बात करते हैं, इस प्रकार के दृष्टिकोण पर हम काम करते हैं कि जो शिक्षा है उसका समाज के साथ ताना बाना कैसा है, समाज के कैसे शिक्षा समाज में जो है वो होनी चाहिए, और किस प्रकार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है हम समाज शास्त्र में कैसे लेकर के आए। समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र का ही जो एक डिटेल, एक वाइड एरिया है समाज शास्त्र का, लेकिन जो शैक्षिक समाज शास्त्र है वो क्या है, शैक्षिक समाज शास्त्र समाज शास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसमें कि क्या कहते हैं, केवल और केवल शिक्षा से संबंधित जो हमारे टॉपिक्स या जो हमारे विचारणीय मुद्दे हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अगर हम डिटेल में इसके जाएं तो जो शैक्षिक समाज शास्त्र क्या है, जो शिक्षा और समाज के परस्पर प्रभावों का अध्ययन करती है, किस चीज का अध्ययन करती है, परस्पर संबंधों का। ठीक है, परस्पर संबंधों का जो है वो अध्ययन करती है, वो क्या है, वो हमारा शैक्षिक समाज शास्त्र है। ठीक है, इनकी व्याख्या किसने की थी, इसकी सबसे पहले जो शैक्षिक समाज शास्त्र का कंसेप्ट है वो जॉर्ज पेनी लेकर आए थे, जॉर्ज पेनी जो अमेरिका के हुए हैं, और इसके अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। ये 1928 में इनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये जो लिख देती हूँ मैं, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक आई थी जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा है एक सामाजिक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा,
प्रक्रिया है जिसका की जो ताना बाना है वो क्या है, समाज के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और आए मेन जॉन डीवी साहब आए इसमें, जिन्होंने भी जो है वो एजुकेशन के फील्ड में या एजुकेशन सोशियोलॉजी एजुकेशनल सोशियोलॉजी के संदर्भ में काफी काम किया। जॉन डीवी भी आए, जॉन उसके अलावा भी और कई ऐसे हमारे दार्शनिक आए जिन्होंने जो जॉर्ज पेने और जॉर्ज ओटावे जिसमें से प्रमुख हैं, ब्राउन हैं, ठीक है। तो ये जो आए जिनको कहते हैं समाज शास्त्री, जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने समाज शास्त्र के विषय में अलग अलग अपने डेफिनेशन, अपने अपने आइडियाज, अपने अपनी जो फिलोसफी जिसको हम कहेंगे वो दी, ठीक है। तो ये जो मेनली कंसेप्ट है हमारा ये क्या है, ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो समाज के संपर्क में रहकर ही ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मेन उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, इसके लिए क्या करती है, इसके लिए शिक्षा हमारा क्या ज्ञान प्राप्ति का एक हमारे लिए माध्यम है कि हम स्कूल में कॉलेज में फॉर्मली या इनफॉर्मली हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज की किसी एक संस्था को ज्वाइन करते हैं जहां फॉर्मल जो एजुकेशन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, हमारे स्कूल या कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो अनफॉर्मल तरीका है हमारा एजुकेशन लेने का वो हमारा क्या है, वो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है या कहीं से भी जो लॉन्ग लाइफ हम एजुकेशन लेते हैं वो हमारी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो समाज का जो एक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का विकास करना। और व्यक्ति का विकास करने के लिए जब हम समाज के संदर्भ में शिक्षा का अध्ययन करते हैं, समाज के संदर्भ में जब इस कंसेप्ट पर हम काम करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, शैक्षिक समाजशास्त्र या एजुकेशनल सोशियोलॉजी का नाम हम उसको दे देते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, और कहता है कि जो शिक्षा ही क्या है, व्यक्ति में सामाजिक चेतना उत्पन्न करती है कि समाज में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या घटित हुआ है और किस तरह से आने वाले समाज में हमें रहना है, कैसे हमने काम करना है, कैसे हमें अपने व्यक्तित्व का जो है वो अच्छे से निर्माण करना है, कैसे सफल नागरिक बनना है, देश का उद्धार कैसे करना है, देश का विकास हमने कैसे करना है, अदर जो कंट्रीज हैं उनके सापेक्ष हमें अपनी नीतियाँ किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से हमें जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे किस में आ जाते हैं, ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या था, हम अपने अगर बैकग्राउंड को थोड़ा सा देखें तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति या जिसको हम कह सकते हैं कि जो 1947 से पहले जब हम गुलाम थे तो वो उसमें क्या था, उस समय का जो समाज था वो किसी और तरह का था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या है, हमारे जैसे संविधान अस्तित्व में आया, समाज का हमारे जो है संविधान का निर्माण जैसे हुआ, लागू हुआ, तो उसके बाद क्या है, हमारा जो कंसेप्ट एजुकेशन का वो बदल गया, टोटली जो पैटर्न है वो बदल गया, ठीक है। तो इसके संबंध में जो बहुत सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ने को मिलेंगे शिक्षा के संबंध में, तो मेनली हम जॉर्ज पेने की करते हैं या ओटावे की करते हैं। ओटावे कहते हैं कि शैक्षिक समाज शास्त्र का जो प्रारंभ है इस दृष्टिकोण को अपनाकर होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। जॉन ओटावे क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो समाज में होती है, ठीक है। और उसका उद्देश्य और विधि उस समाज की प्रकृति पर ही निर्भर करती है जिसमें वह होती है, कि जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, जिस समाज की जिस तरह की प्रकृति है, नेचर है, उसी प्रकार की क्या है वहां पर उद्देश्य की हमें प्राप्ति होगी और उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हीं विधियों का हम प्रयोग करेंगे जो उस जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में जो विधियां वो काम या हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक डेफिनेशन है ब्राउन की, ब्राउन महोदय की एक डेफिनेशन आई है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन सोशियोलॉजी के संबंध में कुछ कहा है। ये कहते हैं कि शिक्षा समाज शास्त्र तथा उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में जिसमें दूसरे व्यक्ति और समूह सामाजिक व्यवहार के नमूने होते हैं व्यक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, कि जो प्रोसेस है केवल और केवल उसका अध्ययन करना ही क्या है जो है वो शैक्षिक समाज शास्त्र का उद्देश्य है, ठीक है। अगर पेने की बात करें तो पेने कहते हैं कि शैक्षिक समाज शास्त्र व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षा में सामाजिकता के समावेश के द्वारा व्यक्तित्व विकास का प्रयत्न है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन पेने ने दी है जो
जॉर्ज पेनी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जो जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो व्यक्ति पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, कौन कौन से प्रभाव शिक्षा से पड़ते हैं, समाज से व्यक्ति पर पड़ते हैं, उनका सामाजिकता के समावेश के द्वारा, यानी कि जो वो प्रभाव में सामाजिकता का समावेश कब होगा, जब वो समाज के अंदर रहेंगे, समाज के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए जब उनके पर्सनैलिटी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो प्रयत्न है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है कि कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करती हैं, क्यों व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना है ना। तो यहाँ पर यह चीज है और कहते हैं कि इसके इससे जो क्या है शिक्षा संबंधी महत्व पर भी प्रकाश डालता है और ये शिक्षा और समाज के बीच एक ऐसे माध्यम के रूप में काम करता है जो दोनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो न केवल व्यक्ति के लिए उपयोगी है बल्कि क्या है समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो चीजें क्योंकि व्यक्ति क्या है समाज का एक हिस्सा है, स्टूडेंट्स इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है कि व्यक्ति का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है, मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है और समाज भी रहता है, समाज में रहते हुए अपनी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं या अदर जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है ना, क्योंकि मनुष्य क्या है अकेला नहीं रह सकता, मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ समाज से ही है, अकेले मनुष्य की कोई गिनना नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक और समाज के अध्ययन के द्वारा शिक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता देता है, तो दूसरी ओर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाकर समाज के विकास में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो ये जॉर्ज पेनी ने बड़ी ही अच्छी एक डेफिनेशन इन्होंने दी कि जो व्यक्ति है वो क्या है समाज का हिस्सा है और समाज में रहते हुए जो शिक्षा उसको दी जाती है उसका ही उसकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। इसमें थोड़ा सा अगर इन परिभाषाओं का कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो क्या निकलेगा, यही निकलेगा कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की भांति ही क्या है, व्यक्ति और समूह का जो पारस्परिक संबंध है, ठीक है, जो व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाली सभी सामाजिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करता है कि जो क्या है जो मनुष्य और समाज दोनों के जो आपसी रिलेशन है, ठीक है, उन परिस्थितियों का जब निर्माण करता है या उन परिस्थितियों का जब अवलोकन करता है तो वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे हम इसमें कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या है कहते हैं कि इसको एग्जांपल से भी हम समझा सकते हैं कि समाज में सभी सदस्यों को शिक्षित करना सामाजिक दायित्व माना गया है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नई एनपीसी है वो क्या कहती है, एनपीसी अगर 2020 की अगर हम बात करें तो वो भी हमें यही कहती है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, हर एक व्यक्ति को जो है वो विकास करना, हर एक व्यक्ति को शिक्षा तक पहुंचाना, हमारे शिक्षा के टारगेट के अंदर आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निरक्षर ना रहे, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, ठीक है, परंतु क्या है, परंतु केवल पर्याप्त संख्या में विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना के द्वारा ही जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक हम जन चेतना के द्वारा हर व्यक्ति को इंडिविजुअली ये मोटिवेट ना करें कि पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है, तब तक इस टारगेट को प्राप्त करना, चाहे हम कितनी ही पॉलिसीज पहले भी लागू कर चुके हैं और अभी नई भी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षा के हमारे एम हैं, जो लक्ष्य हैं, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज में मूल्यवान योगदान देने के लिए समर्थ होना चाहिए और इस दृष्टिकोण से क्या है शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और क्या है शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उन सब चीजों का और अन्य कार्यक्रमों को भी क्या है समाज की मांग के अकॉर्डिंग ही समय समय पर चेंज हमें करना चाहिए या करना होता है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से क्या है शैक्षिक समाजशास्त्र क्या हुआ, शिक्षा और समाज के बीच में एक महत्वपूर्ण माध्यम हो गया। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या हो गया, शिक्षा और समाज के बीच में क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण मीडियम हो गया, एक महत्वपूर्ण माध्यम हो गया, जिससे कि क्या होगा जो कि एक विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक संगठनात्मक व्यवस्थाओं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके शिक्षा की केवल पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता कर
करता है कि विभिन्न जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, समाज के अंदर रहने वाले लोग हर तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उन प्रवृत्तियों को मूल प्रवृत्तियों में कैसे जो है वो हम परिवर्तन करें, और उन परिवर्तनों के द्वारा क्या है सामाजिक संगठन करें, सामाजिक संगठन एक व्यवस्था ऐसी बनाए जिसमें हम सभी लोग जो है वो मिलजुल कर जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति करें, और फिर क्या है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए जब हम काम करेंगे तो वो क्या है वो इसके अंदर शैक्षिक समाज शास्त्र के उसमें क्यूरिकुलम में आएगा। ठीक है, दूसरी ओर क्या कहता है कि समाज की जो शिक्षा है संबंधी व्यवस्थाओं को विकसित और उचित मार्ग पर प्रभावित करते हुए उसे जो है वो पूर्ण योगदान देना भी क्या है शिक्षा और समाज दोनों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर क्या है अगर शिक्षा और समाज के संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं क्या होती है स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होती चली जाती हैं, है ना, क्योंकि किसी समय में किसी चीज की आवश्यकता होती है और दूसरे उसी विशेष समय में क्या है उसी पर्टिकुलर समय में वही विशेषताएं जो है वो चेंज हो जाती है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं चेंज होती है। तो जो सिनेरियो रहता है उसमें हम जितना चेंज हमें जरूरत है अगर वो चेंज आपका टाइम पर होता है तो क्या है शिक्षा के ऑब्जेक्टिव पूरे करने में शैक्षिक समाज शास्त्र हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें तो कि जो शैक्षिक समाज शास्त्र का क्षेत्र या विषय वस्तु की बात अगर हम थोड़ा सा करें कि विषय वस्तु क्या है, अब तक हमने पढ़ा कि जो जॉर्ज पेने हैं उन्होंने 1928 में द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है, ये जो पुस्तक थी इसका इन्होंने उद्घाटन किया था। उस पुस्तक में इन्होंने क्या है समाज और शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से जो है समाज की व्यवस्था होनी चाहिए और किस प्रकार से शिक्षा का उसके साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है, एक बार पढ़ने से याद होने वाला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि समाज का जो है ना जो ताना बाना है वो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ होता है, समाज को हम शिक्षा से अलग नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षा कहाँ दे सकते हैं हम बच्चे को, समाज के अंदर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करें स्कोप ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी की या शैक्षिक समाज शास्त्र का क्या है, शैक्षिक समाज शास्त्र का विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु मीनिंग के बाद हम की विषय वस्तु की बात करने जा रहे हैं, कंटेंट मैटर या सब्जेक्ट मैटर की बात हम करने जा रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा कंटेंट हमने पढ़ाना है। ठीक है, कि विषय वस्तु कौन कौन सी है। ठीक है, फर्स्टली हम इसमें देखेंगे कि जो शैक्षिक समाज शास्त्र को है सामाजिक क्रियाओं को शिक्षा कार्यक्रमों की ओर प्रभावित करना, कि जितने भी हमारे क्रियाएं हैं समाज के अंदर उनको शिक्षा कार्यक्रमों की ओर प्रभावित करना। ठीक है, दूसरा सामाजिक विकास नियंत्रण और अच्छे जीवन और शिक्षा के लिए क्या है प्रयत्न करना, सामाजिक विकास पहला था, सामाजिक जो क्रियाएं हैं सामाजिक क्रियाएं कौन सी होती हैं जो समाज के अंदर होती हैं, ठीक है, की जाती हैं, तो क्या है सामाजिक क्रियाओं को, सामाजिक क्रियाओं को शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ना कैसे जुड़ेंगे, कि जो क्रियाएं हम समाज के अंदर कर रहे हैं उसको क्या है शिक्षा के रूप में हम करें या अपने क्यूरिकुलम में उस चीज को डाला जाए शिक्षा कार्यक्रम में, या शिक्षा कार्यक्रमों भी हम लिख सकते हैं, कार्यक्रमों में कार्यक्रमों के साथ, ठीक है, उसको जोड़ना, कि जो क्रियाएं हैं स्कूल में बच्चे को हम करवाएं को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जैसे हम करवाते हैं, ठीक है, इस टाइप से, या जो है वो अन्य भी बहुत सारी क्रियाएं हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर करते हैं, जो हमारा वर्ष भर का क्यूरिकुलम होता है, जो हमारा सिलेबस होता है सिलेबस के साथ साथ जो है हम अदर क्रियाएं भी करवाते हैं, तो वो जो सामाजिक क्रियाएं क्या है उनको और जो समाज के अंदर जो होने वाली क्रियाएं हैं, है ना, जैसे खेलना हो गया सिंगिंग हो गया या कुछ और जो भी समाज के अंदर हम रहते हुए दिन प्रतिदिन देखते ही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल की जाए। दूसरा इसमें है सामाजिक विकास नियंत्रण और अच्छे जीवन और शिक्षा के लिए प्रयत्न करना। ठीक है, पॉइंट्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, हम सिंपली इसको इतना भी लिख सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है बच्चे का, सामाजिक विकास के लिए
सामाजिक विकास करना बच्चे का और जीवन को खुशहाल बनाना और जीवन को उन्नत बनाना भी लिख सकते हैं, या खुशहाल बनाना या उन्नत बनाना भी क्या है, एजुकेशन जो सोशियोलॉजी है उसका कंटेंट मैटर आता है। ठीक है, सामाजिक विकास करना और जीवन को उन्नत बनाना। थर्ड इसमें आता है कि शिक्षा पर समाज के प्रभावों का अध्ययन करना और उनको उपयोगी बनाना। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सामाजिक क्रियाओं को शिक्षा कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, दूसरा सामाजिक विकास करना और जीवन को उन्नत बनाना, थर्ड इसके अंदर आपका आएगा कहलाता है या विशेषित्र कहलाता है।
आशा करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या होती है। एक बार फिर से आपको बताया जाए थोड़ा सा कि जो जब समाज के अंदर रहते हुए जिस समाजशास्त्र के अंदर हम समाजशास्त्र की एक ब्रांच है हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र, जिसमें समाज के संदर्भ में हम शिक्षा की कंसेप्ट की स्टडी करते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से समाज के अंदर इफेक्टिव है, ठीक है, और दोनों के अंदर आपस में जो रिलेशन है उसके स्टडी हम करते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि अमेरिका के जो जॉर्ज पेने हुए हैं उन्होंने 1928 में दिया है इसको, और द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स।